Friend, let discuss this question. A layer of ice 2 centimeter thick is formed on a pond. मतलब कि एक पॉन्ड है और इसके ऊपर एक 2 सेंटीमीटर की थिकनेस की इस है. तो इसको T1 बोलना ही है. The temperature of air is -20 degree centigrade. अब इसके आसपास जो एयर है उसका टेम्परेचर हमें गिवन है. तो मैं इसको लिख रहा हूँ T = -20 degree centigrade. कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक. हाउ लॉन्ग इट का मतलब हो गया कि हमें टाइम निकालना है. इट विल टेक फॉर द थिकनेस ऑफ आइस टू इंक्रीज बाय 1 मिलीमीटर. यानी कि जो न्यू थिकनेस होगी वो 1 मिलीमीटर ज़्यादा होगी पहले वाले से. तो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर होगी. हमें गिवन क्या क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, कंडक्टिविटी ऑफ आइस. अब देखो टाइम निकालना है, थिकनेस की बात हो रही है और जब यहाँ पर बर्फ जमेगी तो कुछ हीट भी एक्सचेंज होगी. तो मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे. जैसे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है DQ/dT = K × एरिया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में चेंज इन लेंथ डेल्टा. बट क्योंकि हमें यहाँ पर ये थिकनेस पता है तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे Q = Q/T = K × एरिया चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा. लेट यहाँ का टेम्परेचर कितना है, -20. अब आइस के नीचे आइस के जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टेम्परेचर डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में डेल्टा एक्स होगा. एक तरह से मेन थिकनेस कितनी है जिसके थ्रू जो हीट है वो कंडक्ट होगी. अब हीट कहाँ से कहाँ कंडक्ट होगी, तो देखो जो पोंड है पोंड के नीचे जो टेम्परेचर होगा वो -20 से ज़्यादा होगा तो हीट यहाँ से बाहर की तरफ फ्लो करेगी. तो जो थिकनेस होगी एक तरह से टोटल थिकनेस, एवरेज थिकनेस में कह सकता हूँ, वो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज थिकनेस. तो एक तो हमें हीट पता करना है क्योंकि हमें निकालना है टाइम, तो उसके लिए हमारे पास हीट होना चाहिए और थिकनेस पता होनी चाहिए. टेम्परेचर डिफरेंस हम निकाल लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी के हमें गिवन है यहाँ पर 0.008. और आप एक और चीज़ देखो, जितने भी सब क्वांटिटी गिवन है वो सब CGS यूनिट में है. हम अपने आंसर को या जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी उसको CGS यूनिट में प्रोसीड करेंगे. तो टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, हीट इंटू में एवरेज थिकनेस अपॉन में थर्मल कंडक्टिविटी एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस. एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. जैसे जब आइस मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है इसका. मतलब जो भी वो वाटर होगा यानी कि 0 डिग्री पर ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा. तो ऐसे में जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है m × L. एक हीट का फॉर्मूला ये भी होता है Q = mc∆T. बट ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा हो, जब स्टेट चेंज नहीं हो रही हो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है. यहाँ पर तो टेम्परेचर आइस का उतना ही रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो टेम्परेचर ये तो एयर का दिया हुआ है ना, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे Q = ml. जो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगी इट विल बी इक्वल टू मास इंटू में लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ आइस भी हमें गिवन है 80. अब मास हमें निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें हीट चाहिए ना. तो देखो Q = m × L है. अब मास कैसे निकाला जाए, तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम. और डेंसिटी तो हमें गिवन है आइस की 1 ग्राम. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ना थिकनेस पता है तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है थिकनेस इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया. तो थिकनेस अगर पता होगी तो वॉल्यूम भी पता लग जाएगी. तो देखिए अब Q = ml है, तो m की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में एल. Q = डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितनी हो गई. तो मान लेते हो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो है a, ठीक है, और थिकनेस तो हमें इसकी पता है. तो जो
रेशियो होगा टोटल, इट विल सॉरी जो वॉल्यूम होगी वो होगी थिकनेस इनटू में एरिया। अब थिकनेस क्या होगी, तो पहले जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। हमें होल कितनी करनी है, 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज करनी है। तो 0.1 सेंटीमीटर की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, या 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए जो एयर इसकी आइस की थिकनेस है, उसके लिए हमें कुछ हीट एक्सचेंज करनी पड़ रही है जो कि पॉन्ड से बाहर जाएगी। तो वॉल्यूम हो जाएगा कितनी थिकनेस हमें इंक्रीज करनी है, यानी कि 0.1 इंटू में एरिया ए। तो ये हो जाएगी वॉल्यूम, उसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 0.1 इंटू में एरिया। और एल की वैल्यू कितनी है, एल यानी कि लेटेंट हीट ऑफ आइस वो है 80। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू में ए। एक्चुअली मैं ए की वैल्यू इसलिए भी नहीं रख रहा हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू 8 रखेंगे तो ए यहाँ पर भी नीचे है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया की टेंशन हमें नहीं लेनी है। अब इसकी जो थिकनेस है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एक तरह से हम एवरेज थिकनेस लेंगे इसकी, वो इनिशियल थिकनेस प्लस फाइनल थिकनेस अपॉन में 2। थिकनेस कितनी थी, 2 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज भी तो ही है, तो फाइनल थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2.1, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2.05 सेंटीमीटर। तो हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आइस के बिल्कुल नीचे, और एयर इसके जो बाहर का टेम्परेचर होगा वो कितना आएगा, -20। तो हम 0 डिग्री में से माइनस करेंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस भी हमें पता लग गया है, जो नीचे लेयर है और जो अपर लेयर है उसके बीच का 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर डिफरेंस। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला था टाइम का। तो टाइम इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 है, इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 2.05 अपॉन में के, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी 0.008। इनटू एरिया को एरिया ही रहने देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20। यहाँ से ऐसे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू आएगा 102.5। इसका मतलब ये हुआ कि 102.5 सेकेंड में जो पहले थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर, अब वो 2.1 सेंटीमीटर की हो जाएगी।